कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही है। इनिशियली दो लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे, और उन पर आरोप ये था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब एक डेढ़ घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजद की गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से, सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी, तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर, कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था, एक उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाजा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या करते हैं, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पे तीन चार लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको नशीला पदार्थ था उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो उससे उसमें दो तीन पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला